चालू हो गया क्या? आ रही है आवाज? आ रही है? फटाफट आ जा, जल्दी कर, जल्दी फटाफट आ जा। भाई खबर मिली है कि ना एक एक कमरे के अंदर 5-5, 6-6, 10-10 बंदों को यहाँ पे लिटा के रखते हैं, यहीं पे सुलाते हैं कि कमरे के अंदर आ जाओ फटाफट। इधर कमरे हैं, आ जाओ इधर है मैस, इधर है मैस, मैस देखते हैं पहले, सबसे पहले मैस। क्या इंतजार कर रहे हो? किसी चीज का नहीं। किस चीज का इंतजार? किसी चीज का नहीं। नहीं खा लिया। खा लिया? खा लिया। कैसा था? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। किस चीज की तैयारी कर रही है? BSc एग्रीकल्चर 10th बेस। NDA की कुछ तैयारी वारी करवाते हैं यहाँ पे? झूठ बोलते हैं? नहीं, तैयारी करवाते हैं। एक रूम के अंदर कितने बच्चे रहते हैं? दो। माँ की सुलह झूठ ना बोलिए। दो। दो। AC है? हाँ है। नहीं। कितने बंदे रहते हैं एक रूम में? दो। कितने बंदे रहते हो? दो। दो। क्या बात है, इतने कितने कमरे बना रखे, सिर्फ दो दो बंदे रहते हो? आप तो बंदे बहुत बैठे हैं। अलग से रूम है ना, अलग बढ़िया हॉस्टल है। अब भाई खाना ठीक मिलता है क्या यहाँ पे? कमाल है, एक बारी मैस देख लेते हैं, आ जाओ फटाफट। दिखाना भाई साहब, खाना दिखाओगे आपका एक बार? खाना दिखाना। ओके ये क्या डालडा घी में चोपड़ी हुई है? नहीं, देसी घी में। यार देसी घी इतना महंगी आया है, आप कैसे चोपड़ रहे हो देसी घी में? कोई नहीं चोपड़ता। हम लोग चोपड़ते हैं। आप चोपड़ते हैं? जी। दाल दिखा, कौन बनाते है दाल? और भैया मैं। आप बनाते हैं? बना भाई जी। आप खुद बनाते हैं? हाँ जी। लगता तो नहीं? हाँ जी मैं बनाऊँ। टेस्ट कर लूँ क्या? हाँ कर लो। बोलो कर। चम्मच दे एक। सच में इतने लाजवाब बनी हुई है, मैंने कभी मेरी जिंदगी में भी ऐसी दाल आज तक नहीं खाई। आवर्स एकेडमी में हूँ और उसकी मैस में पहुंचा हूँ, इसको यहाँ पे रख देते हैं। भाई सही में खाना आज ही अच्छा बना हुआ है या फिर रोज ऐसा बनता है? रोज ऐसा ही होता है। माँ की याद नहीं आती आपको यहाँ का खाना खाने के बाद? नहीं आती। क्यों? सेम वैसे। कहाँ से हो आप, कौन सी जगह से? रेवाड़ी से। क्यों रेवाड़ी से? रेवाड़ी में तो बहुत सारे होंगे रस्ते के अंदर शोरूम यार, उसके साथ साथ में इंस्टीट्यूट बहुत सारे होंगे, वहाँ पे पढ़ लेते हैं आप। यहाँ पे किस लिए? फैमिली ने भेज दिया। फैमिली ने बोला? यहाँ का कुछ रिजल्ट चेक किया कैसा है? अच्छा है। मैं तो यार दाल पे जी आ गया, ऊपर आ दो फटाफट। खाना बनता कहाँ है? ऊपर बनता है फटाफट। यही है शायद। क्या बात है, रोटी आप बनाते हैं क्या मम्मी? रोटी आप बनाते हैं? ये साफ सफाई अभी इतनी है या फिर ऑलवेज ऐसी रहती है हमेशा? इससे ज्यादा सफाई। हाँ जी, इससे ज्यादा सफाई हो जाता जी अपना किचन में लगता तो नहीं? नहीं तो मैं है ना होटल के किचन के अंदर जाके देखता हूँ, बहुत सारे पीजी के अंदर जाके देखता हूँ, हालाती मारे होते हैं। नहीं नहीं जी, ऐसे तो अपना तो रोज का सफाई हो जाता है जी, देखो। अच्छा ये ऊपर क्या रख रखा है इसमें? मटर है, सफल मटर है जी। ओके ठीक है, नीचे दही वगैरह रख रखी है। ठीक है,
पूरी साफ सफाई। ओके इधर देखो, कहीं पे भी कोई भी आपको ना गंद नजर नहीं आएगा। आ जाओ रूम में चलते हैं, रूम में देखते हैं। रूम के ऊपर सीधा आरोप है कि पांच पांच बंदे एक एक रूम के अंदर होते हैं, हालांकि बच्चों ने नीचे मना कर दिया, उसके बावजूद भी चलते हैं। आप आ जाओ। सर 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 नमस्कार। कैसे सर? आप कहोगे कि आप बाज नहीं आते, आप FIR करवा दो, मैं मानूंगा नहीं। सर ऐसा है, आप हमारे भाई हो, आपके ऊपर FIR दर्ज करवाने का हमारा कोई हक नहीं है, और वैसे भी क्या FIR भाई भाईचारे में। सीधा आरोप है आपकी इस पूरी के पूरे इंस्टीट्यूट के ऊपर कि एक एक कमरे के अंदर पांच पांच बंदे आप रखते हो। वो आप चेक करो सर, आप आए हो, आपको आपका काम क्या है अभी बताइए। आपका तो रेड मारने का काम है, हैं आपका तो की आदत है आपको, आप देख लो चेक करो, बेड ही नहीं लगा रखी हमने। अरे अरे मेरे भाई एक बात बता, अभी बैठे हो मेरे को देख के या फिर पहले से बैठे पड़ रहे थे? 8 बजे से लगा था मैं। क्या वक्त हो गया अभी? ये 8:50 के करीब। अच्छा किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? BSc एग्री। BSc एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम। एक बात बताओ, ये आपको फैसिलिटी अभी दी गई है, मैं आया हूँ जस्ट, उससे पहले या फिर पहले की है? पहले की है। सही में? हाँ। एक रूम में कितने बंदे रहते हो? 2। AC है? AC है। AC का एक्स्ट्रा चार्ज लगता है या कैसे है? एक्स्ट्रा चार्ज। ओके। हाँ जी मेरे भाई, एनवायरनमेंट कैसा है यहाँ? एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया है यहाँ अवर्स हॉस्टल का, जैसे कि पढ़ाई को लेकर खाने वगैरह बहुत अच्छा मिलता है एज कम्पेयर टू PG वगैरह के। ये बेड देखो, छोटा सा बेड है, आराम से। क्या बात है, बच्चे तो छोटे हमारे हैं। तो मैं कब बड़े बता रहा हूँ सर, मैं तो देख रहा हूँ एक व्यक्ति के हिसाब से मैनेज कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक एक रूम में दो दो सीटिंग हमने रखी ताकि पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू बनाए। वॉशरूम देख लेता हूँ। ये देखो क्या बात है यार। सर एक बात तो और कमाल की है, आपने तो टॉयलेट भी दूसरे वाली लगवा रही है, तो बहुत महंगी है। हर एक चीज बेटर जो मेरे घर में लगी हुई है उससे बेस्ट लगवा रखा है मैंने यहाँ, कि ये मेरे बच्चे नहीं, मेरे घर के बच्चे हैं, किसी और के बाहर के बच्चे नहीं है। मैंने एक छोटी सी चीज देखी है सर, वैसे तो छोटी है लेकिन वैसे है बहुत बड़ी, लोग उसको छोटी मान के इग्नोर कर देते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी क्राउडिंग एरिया हो, चाहे हम थिएटर का जिक्र कर लेते हैं या फिर हॉस्पिटल का जिक्र कर लेते हैं, इंस्टीट्यूट का जिक्र कर लेते हैं, मॉल्स का जिक्र कर लेते हैं, यानी कि पब्लिक का जहाँ पे आना जाना हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन भी क्यों ना हो, वहाँ पे फायर ब्रिगेड के पाइप लगे हुए होते हैं, लाल कलर के रेड कलर के, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के अंदर होते हैं। लेकिन आज पहली बारी मैं देख पा रहा हूँ कि आपने PG के अंदर भी लगवा दिया, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत? देखो सर आज से अगर हम 2-3 साल पहले अगर हम बात करें ना, तो कुछ जगह पे कोचिंग सेंटरों में अगर हम जाएं या पीछे बात करें, तो आज से 2-3 साल पहले किसी इंस्टीट्यूट में आग भी लग गई थी, आपको पता भी होगा, और थोड़े दिन पहले एनडी गुप्ता हॉस्पिटल में भी लगी। हाँ, तो इस तरह सिलसिला चलता आ रहा है, और हम बच्चों की जान के मामले में रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा बच्चा हमारे लिए पैसों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर फैमिली में एक बच्चा होता है, और वो भी अगर रिस्क में रहेगा और भय में रहेगा तो पढ़ेगा कैसे? आप ये चीज देखिए। तो ये क्या चीज लगा रखी है? ये बच्चों के अपने स्टडी के हिसाब से इन्होंने अपने अपने वो चार्ट बना रखे हैं पढ़ने के लिए, जैसे प्रायोरिटी टेबल होती है ये। ओके। ये बच्चे अपने अपने हिसाब से बना लेते हैं ये। तो सर ये फायर सेफ्टी के लिए आपने ये पाइपें लगवाई हैं, कोई इमरजेंसी एग्जिट डोर भी रखा है? बिल्कुल रखा है सर, आप देखोगे एंट्री अलग होती है, एग्जिट के लिए अलग से सिस्टम बना हुआ है, और हर रूम में आप चेक करो, आपने ये इल्जाम मेरे ऊपर लगाया ना, मैक्सिमम बच्चे रखते हैं हम, हर बच्चे की टेबल हमने सर, मैंने इल्जाम नहीं लगाया, इल्जाम तो लगाने वाले ने लगाया, नाम नहीं बताऊंगा, मेरे पास में तो फोन आया था, ऐसा है भाई साहब आवर्स के ऊपर जाना, वहाँ पे ना एक रूम के अंदर 4-4 बच्चों को सुलाते हैं या नहीं सुलाते? नहीं जी। पक्का बच्चे बता रहे हैं सर मेरे। फिर आपसे इतना प्रेम प्यार क्यों है लोगों को, जो भाई बार बार फोन आ जाते हैं, दीपेश भाई एक बार ही जाना वहाँ पे, हालात ये हैं। दीपेश जी आप वो प्यार मेरे से तो है ही है, आपसे भी बराबर प्यार है, आपका प्यार भी मेरे प्रति कम नहीं है, आप भी उनके कहने से फटाफट चल के आ जाते हो। तो जाना तो पड़ेगा सर, मेरा तो काम ही ऐसा, फोन आएगा तो मैं तो जाऊंगा ही। देखो सर प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं होती, अवर्स अकेडमी आज जिस पोजिशन पे है, नेचुरल की जिस पोजिशन पे हमारा आज मुकाम हासिल हम कर चुके हैं, उसमें दुश्मनों की तादाद बढ़ती जा रही है और हमारे प्यार करने वालों की तादाद भी बहुत बढ़ रही है, ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। लेकिन आपके आप जैसे न्यूज चैनल वाले भाइयों के थ्रू मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप जब इस कैंपस में आओगे, विजिट करोगे, तो अपने आप पता चल जाएगा सच्चाई क्या है। ये जो जोन से बच्चे अंदर बैठे हैं, माँ बाप के साथ में बातचीत करने की परमिशन है क्या इनकी? इनको ना टाइम दिया हुआ है सर, जैसे इनको ना 8 से लेकर हमने 10 बजे तक का टाइम दिया है, 8 से 9 बजे का टाइम, 1 घंटा टाइम होता है भी, कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से बात कर सकता है या बाहर कोई खेलना चाहे टहलना चाहे टहल सकता है, टहलने के लिए व्यवस्थाएं बनाई हुई है। गोपाल भाई इधर आ, एक काम की चीज दिखाता हूँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग के अंदर जाते हैं आप, वेंटिलेशन नहीं मिलता, और यहाँ का वेंटिलेशन देखो क्या बात है, क्या गजब है सर। सर एक बात बताओ, इतने सारे बच्चे हैं आपके पास में, इतने कितने एक रूम बना दिया कि पर एक रूम के अंदर 2-2 बच्चे छोड़े हैं आपने?
देखो सर, पहले क्या होता था, हमारे पास ना रहने की व्यवस्थाएँ नहीं होती बच्चों की, पीजी वगैरह की व्यवस्थाएँ नहीं होती थी और हॉस्टल नहीं होते थे एकेडमी के, तो हमारे रिजल्ट में से इफेक्ट होते थे। मैं बहुत नाम सुना है कोटा का कि भाई कोटा जाओ, कोटा जाओ, पढ़ाई करनी है तो कोटा जाओ, और ऐसे ना कोटा के अंदर आपको दिखेंगे भाई रूम बना रखा है, बच्चे बैठे हैं और टाइम टेबल चल रहा है, और ये देखो ऊपर लिख रखा है 2 टाइम ब्रश करना है, अपना टाइम टेबल बनाना है। सर आप तो कोटा यहाँ पे बना दिया आपने। देखो सर, एजुकेशन जब तक बच्चों को इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तब तक आप बच्चे रिजल्ट नहीं बना सकता। तो ये बहुत जरूरी पार्ट है कि बच्चों को सारी फैसिलिटी मिलेगी, हर पढ़ाई का भी टाइम टू टेबल बनेगा, बच्चों को प्रॉपर पढ़ाया जाएगा, प्रॉपर इनकी देखरेख की जाएगी, तभी जाएगी रिजल्ट बनता है। तो दूध वगैरह की फैसिलिटी सर अगर किसी व्यक्ति ने व्यवस्थाएं बनाई हुई, आप यहाँ भी देखें, आप हर रूम में आप देखोगे, आप भी पूरी तहकीकात कर रहे। लेकिन बच्चे कहाँ गए? बच्चे खाना खाने गए हो ना नीचे, अभी खाने। एसी भी आपने विंडो लगा रखे हैं, कितने किलोवाट का आपने यहाँ पे बिजली का कनेक्शन? सर इसमें हमने पूरा ट्रांसफॉर्मर भी हमारा अलग लगवा रखा हमने, ताकि बच्चों की लाइट किसी टाइम ना जाए। पर आप देखो ना बड़े बड़े जनरेटर लगे हुए हैं हमारे बच्चे के। बंदे ने ना कमाल की बात है, आदमी के पास में पैसा हो ना वो कुछ भी लगवा सकता है। बात पैसे की नहीं होती सर, बात होती है नीयत की। पैसे तो बहुत लोगों के पास होते हैं लेकिन फिर भी वो लोग इतनी फैसिलिटी नहीं दे पाते बच्चों की। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने बच्चों को किस पोजिशन पर लाना चाहते हैं और हम बच्चों को क्या देना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। और आप देखेंगे यहाँ पे कि पूरी एकेडमी के अंदर भी वैसा इन्वायरमेंट है जैसा यहाँ हॉस्टल में भी मैंने सेम प्रोवाइड करवा रखा है बच्चों को। तो क्या बच्चे अब यहाँ पे बैठ के, मान लिया मैं हूँ यहाँ पे पढ़ता हूँ आराम से, मेरा मन कर गया बैठ जाओ यहीं पे, ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ पे ना बैठते हो? सर मैं तो रहता ही यहीं हूँ। हलवाई वाली बात हो, बोला जी घर की जलेबी है ना, हलवाई जो बनाते वो खाता नहीं। देखो दीपेश जी, मेरा तो सिस्टम सीधा है, दिन में एकेडमी, रात को हॉस्टल में। खाना भी खाते हो गए? मैं यहाँ खाना मेरा रात को मैं चेक करके जाता हूँ, और मॉर्निंग में आफ्टरनून में मेरा खाना पैक हो गया हॉस्टल में का, वहाँ जाता है। एक बात बताऊँ, मैं इतना बड़ा हो गया, मैं सही बात बताऊँ, मैं दाल से है ना खास नफरत करता हूँ, मैं दाल बिल्कुल भी नहीं खाता होता। आज मैंने दाल खाई ना, मैं जिंदगी के अंदर ये बात कसम खा के कह सकता हूँ, भगवान का नेम लो। और बताओ, अब कुछ लोग तो कहेंगे पीछे लेने खातर करता हूँ, कोई पैसे नहीं, फ्री के अंदर आया हूँ, फ्री में रेड मारी, फोन आया था इस वजह से आया था। ऐसी दाल मैंने मेरी जिंदगी में नहीं खाई बच्चा। सर एक ही बात है, अगर हमें बच्चे स्वस्थ रहेंगे तभी तो रिजल्ट दे पाएंगे बच्चे। क्योंकि अगर मैक्सिमम जगह क्या हो रहा है, जो आपने बात बीच में काट दी कि हम ऐसी फैसिलिटी क्यों दे रहे हैं बच्चों, इतना पैसा क्यों लगाया जा रहा है, पैसे बात पैसे की नहीं है कि हम अपने बच्चों को बेस्ट क्वालिटी देंगे, खाना पीना अच्छा देंगे तभी बच्चे स्वस्थ रहेंगे, तभी अच्छा पढ़ पाएंगे वो। अगर बच्चों को खाना बेटर नहीं मिलेगा, वो बीमार रहेंगे, तो उसकी पढ़ा हमारे जो मेहनत कर रहे हैं एकेडमी वो जीरो हो जाएगी। ये आपने पूरे कंप्लीट कैमरे भी लगवा रखे हैं सर हर जगह पे, क्या 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 फैसिलिटी कर रही है सर यहाँ पे? ये 0 पॉइंट से लेकर अपर लेवल तक 100% तक सारी वो चीज़ें जरूरी जो चीज़ें हो सकती हैं वो सारी यहाँ प्रोवाइड की हुई। जो आप कह रहे थे ना एग्जिट गेट, ये एग्जिट गेट बनवाया हुआ है बच्चों का अलग से, ये एमरजेंसी गेट है, ताकि बच्चे जो एमरजेंसी कोई ऐसी घटना घट भी जाए, मिस हैपनिंग हो भी, तो हमारे बच्चों को सेफ तरीके से हम बाहर निकाल पाए। होने को तो कुछ भी हो सकता है सर। और इतना ही नहीं बच्चों की, सिर्फ हॉस्टल हॉस्टल की बात ना करो, आप हॉस्टल के साथ साथ भी अगर आप देखोगे तो बच्चों ग्राउंड्स ग्राउंड वगैरह बने हुए हैं बच्चों खेलने के लिए। मेरे भाई एक मिनट, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरवीर है। खाना आज ही अच्छा बना हुआ था या रोज बना? रोज ऐसा ही होता है सेम। माँ बाप की याद नहीं आती जब खाते हो? नहीं, घर जैसा ही माहौल है। हाँ जी भाई, घर जैसा ही माहौल है सर। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? मैं नीट की सर, नीट की। नीट की तैयारी कर रहे हैं। स्टाफ कैसा है यहाँ पे? बहुत अच्छा सर, कोऑपरेटिव है बिल्कुल। ना सर बहुत अच्छा है। ना सर बहुत अच्छा स्टाफ, कोऑपरेटिव है बिल्कुल बिल्कुल पूरा। कोई समस्या नहीं किसी? नहीं सर कोई समस्या नहीं। और जो लोग कोटा जाते हैं तैयारी करने के लिए, राजस्थान जाते हैं, सीकर जाते हैं इतनी दूर दूर, वो भाई ये तो हमारा यही कोटा बना दिया है सर ने, बिल्कुल सारी फैसिलिटी दी है, सारा अच्छे टीचर दिए हैं, अच्छा बिल्कुल सब सिस्टम दिया है। आपके और भी होंगे स्टूडेंट जो आपके साथ में पढ़ते होंगे, कहीं और जा रहे होंगे, क्या उनको भी ऐसी फैसिलिटी मिल पा रही है? पता नहीं सर, उनको तो मिलती भी होगी पर इससे अच्छी नहीं मिलती होगी। महंगा होगा ये? नहीं सर बिल्कुल महंगा नहीं है, अपना पूरा सिस्टम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है, आपके बजट में? आपके ठीक है बजट में। हमें सारे लैंडलॉर्ड तो नहीं हो ना, बता दो। नहीं, कितनी एक जमीन है? 10 किले। ओ भाई 10 किले, चलो फिर तो ना घूमा के भाई। हाँ भाई ठीक, आपको कितनी एक जमीन है? 6 किले। 6 किले आवा है, चलो। आपका भाई? 9 किले। 9 किले, चलो। हाँ भाई 8। सर देखो ये बच्चे अफीम नहीं है, 8 किले 5 किलो में आजकल कुछ नहीं होता दीपेश जी, आपकी चलती है फैक्ट, आपकी जो चैनल चलता है तो आपको इनकम का नहीं पता, लेकिन गांव में 8 एकड़ जमीन में आज के टाइम बच्चों को पढ़ाना पॉसिबल ही नहीं है। वो चीज़ तो यानी कि किले की कीमत है, उसके ऊपर जो उगाया जाता है उसकी इतनी वैल्यू, ये जमीन बेच नहीं सकते ना सर इन बच्चों को। ये एग्रीकल्चर फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, कोई IIT की तैयारी कर रहा है, यही बच्चे जिनको नीड है ना, जिनके अंदर आग है, वही बच्चे रिजल्ट देंगे। ये बात कह सकते हैं भाई, हमारे किले की कीमत 5 करोड़ है, 5 करोड़ रहूगी जाऊंगी भाई, बेच तो नहीं सकता। खाना तो वही अनाज है ना सर, कमाना तो इसी जमीन में से ही कमाएगा, खाना तो इसी में से पड़ेगा, 5 करोड़ का कोई ब्याज तो मिलने वाला नहीं है मेरे भाई। 20 किले हैं। 20 किले हैं,
सच में देखो सर देखो नेचुरल बात है अगर एक बात तो सच में महंगा है या कैसे सर बात महंगे की नहीं है बात क्वालिटी एक तो हम क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरा जो रेट है यहाँ का जेन्युइन रेट रखा हुआ है कि एक गरीब बच्चा भी अफोर्ड कर सकता है और एवरेज फैमिली भी अफोर्ड कर सकती है ऐसा तो नहीं है बटे कैमरा के चक्कर में आने के चक्कर के अंदर आज झूठ बोल रहे हो बोला जी 20 किलो बता दो रिश्ता जल्दी हो सर हमारे बच्चों और इन बच्चों रिश्ते की जरूरत ही नहीं इनके रिश्ते लग के होंगे जब ये बच्चे यहाँ से कामयाब होके जाएंगे अपने खुद की बिजनेस सेटअप लगाएंगे बच्चे अपने बच्चे गवर्नमेंट जॉब लगेंगे तो रिश्तों की इनको कोई कमी नहीं है इन बच्चों की मतलब आप किसी बच्चे से पूछोगे रिश्ते की इनके सपना ही रिश्ता है इनका ये किसी सपना है कि हमें यहाँ से एग्रीकल्चर फील्ड में जाना है हमें IITN बनना है हमें NIT बनना है हमें हर कोर्स में डिफेंस के अंदर भी बच्चों में जुनून है कि हमें NDA एयरफोर्स नेवी इन सब कोर्सेज में जाना है इनका जोश चेक कर लेंगे थोड़ा जोश चेक कर ले क्या बोलना एक बारी ऊपर से बोल के दिखा दो बोलना एक बारी हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद अकेडमी पूरी डिस्टर्ब तो नहीं होगी नहीं सर 5-10 एंटरटेनमेंट का टाइम है 8-9 का जो टाइम होता है हमारा खाने का और बच्चों एंटरटेनमेंट का होता है तो इन बच्चों को आजादी हम 9 बजते ही अब इनका 9 बजे 2 मिनट रह गई हैं अभी बच्चे अपने रूम में जा रहे हैं अब इनका टाइम फिक्स है 9 से लेकर 12 बजे तक जो बच्चे रूम में पढ़ सकते हैं उनको रूम में पढ़ने की आजादी है उसका उसको क्या कहोगे अब जिसने मेरे पास में फोन किया था कि भाई साहब जाना एक बारी 8-8 बंदे एक रूम के अंदर रहते हैं जिस बंदे ने आपको फोन किया पहले तो आप मुझे फोन नंबर ही बताएं सर पता तो चले हमारे सुचिन तक कौन है दिन रात को हमें बुलाया गया आपको भेजा है यहाँ पे और आपकी भी मैं हिम्मत मानता हूँ कि 9-9 बजे आप लोग घूम रहे हो और न्यूज़ चैनल पे आपने इतनी मेहनत कर रहे हो बड़ी खुशी की बात और आप खाना खा के जरूर जाना जी नंबर चाहिए आपको नंबर दे देता हूँ नंबर जरूर एक मिनट फोन दे दीजिए सर अच्छा नहीं लगता नहीं कोई बात नहीं कोई और कॉल नहीं करेगा मुझे अलग से दे देना कोई बात नहीं निकाल के दे दिया अब बताओ जानते हो क्या इनको सर हमारे शुभचिंतक है हम जानने की बात जुड़ती नहीं है मैं समझ गया कोई दिक्कत नहीं चलता रहता सर कोई बड़ी बात नहीं नहीं मैं दिखा दूंगा आपको तसल्ली से दिखा कोई इशू नहीं सर कोई इशू नहीं है शायद अब कुछ कहने के लिए बाकी नहीं रहा दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब और एक बार ये कर रेड और छोटी सी क्या बात है हाँ जी भाई ठीक चल रही है क्लासेस ठीक चल रही है सर पक्का सर सही पढ़ा पा रहे हैं बढ़िया पढ़ा पा रहे हैं सर किस किस चीज़ की तैयारी करवाते हैं एक बार बता दोगे अपने एकेडमी में अलग अलग विंग बनी हुई है 4 विंग्स बनी हुई हैं जिसके अंदर हम अलग अलग कोर्स चलाते हैं फॉर एग्जाम्पल VLDA BA एग्रीकल्चर VS इनके अलग अलग विंग बना रखी है हमने IIT PMT और 9th से लेकर 12th के बच्चों के लिए संकल्प के नाम से अलग से इंस्टीट्यूट की व्यवस्था की हुई अलग से विंग बनी हुई है वहाँ उन बच्चों को ईयरली बच्चों को पढ़ाया जाता है इसी तरह से डिफेंस के लिए NDA एयरफोर्स नेवी इनके लिए विंग नंबर 2 अलग से बनाई हुई हैं सेम इसी तरह से STAT CET वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं CUET के जो एग्ज़ाम अब आए हुए हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब के लिए करते हैं उनकी अलग से बैच बने हुए हैं सर लास्ट सवाल सीधा सीधा आपको आपके सवाल खत्म नहीं होते बच्चे जो है वो डिफेंस की तैयारी तो कर लेते फिर उसके बाद में एक SSB का एग्जाम होता है उसकी तैयारियां साथ साथ करवाई जा रही हैं साइड में ग्राउंड भी बने हुए हैं बच्चों को दौड़ लगवाना सारी फैसिलिटी आप देखोगे इस आप तो आप नाइट को आए हो अगर आप दिन में आते तो मैं आपको यहां सारा सिस्टम दिखाता नाइट में फोन आएगा तो नाइट में आ जाऊंगा दिन में आना सर आप दिन में कभी भी आओ मैं अब मेरे को पता है आप FIR पक्का करवाओगे छोड़ोगे नहीं दीपेश जी मुझे FIR दर्ज करवाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि प्रत्यय मैंने अभी आपको एक बात कही थी थोड़ी देर पहले प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है FIR वो लोग कराते हैं जिनको कोई डर हो घर पे किस टाइम पे जाओगे 9 बजे सर मेरे 10 बजे जाने का टाइम होता है 9 से 10 में यहाँ पर सारे बच्चे जब सेट हो तो सर प्राइवेट लाइफ होगी बच्चे हैं घर पे माता पिता हैं वाइफ है सारी चीज देखो ऐसा है मैं ना वीक में शेड्यूल बना रखा हमने टीचर्स की ड्यूटीज लगी हुई है जैसे आज मैं मैथ का डिपार्टमेंट मेरे अंडर में मेरी ड्यूटी लगी हुई है कल फिजिक्स डिपार्टमेंट के टीचर्स आ जाएंगे उससे अगले केमिस्ट्री के टीचर्स आ जाएंगे फिर बायो के टीचर्स आ जाएंगे इस तरह करके हमने शेड्यूल डिवाइड कर रखा है एक दिन एग्रीकल्चर के टीचर आ जाएंगे तो पूरे वीक में एक एक टीचर की ड्यूटी है रात को 10 बजे तक बच्चों को चेक करना किसी बच्चे को डाउट हो कोई बच्चा क्लास में ना पूछ पाया हो डाउट काउंटर पे भी नहीं पूछा है तो हॉस्टल में आ जाओ हॉस्टल तो मेरे वर्ग अभी होगा कोई ना कोई रात नाल बात करता वो साइड मार के सीटी मार के भाग जाए देखो सर बच्चे हैं बच्चे बंदर के रूप होते हैं आपको पता ही है कोई अगर बच्चा कर भी देता है तो भी हम इस बच्चे को समझा के और सबसे बड़ी अच्छी बात क्या मेरे पास जितना बच्चा यहाँ पढ़ रहा है ना सर सारे आपने चेहरे देखो इन बच्चों के इनके मन में एक जोश है कि मुझे कुछ करना है इनके पास मन में विचार ही नहीं आता है इनके मन में नेगेटिव कि मुझे किलकियाँ मारनी है या मुझे कोई छेड़खानी करनी इस मोहल्ले में ये मोहल्ला है बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आपने कीमती वक्त दिया एक बच्चों से छोटा सा सवाल करना आप जाओ चलो ठीक है थैंक यू से पूछ लेना हाँ भाई तारा में कोई वो भी है 3 Idiots फिल्म देखी होगी नहीं करता। चलो आपका क्या मानना है ये तो एक मजाक की बात थी
दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब। और साहब जिनका फोन आया था वो खुद ही देख लें कि साहब यहाँ का माहौल जो है वो कैसा है और आपका क्या मानना है, दीजिए कमेंट सेक्शन में जवाब। देखते रहे अच्छा 20 न्यूज़ इंडिया आपके पास। धन्यवाद। जय हिंद। जवाब।